शील फाटा खान कंपाउंड में लगी भीषण आग, छह गोदाम जलकर हुए राख, लाखों का हुआ नुकसान। रॉ टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा से सटे सिलफाटा खान कंपाउंड में आज सुबह 5 बजे के करीब लगी भयानक आग। आग में जलकर लाखों का सामग्री हुआ खाक। दरअसल खान कंपाउंड में ये पहली बार की घटना नहीं है, यहाँ आए दिन गोदामों में आग लगने का मामला सामने आता रहता है। आज सुबह 5 बजे के करीब खान कंपाउंड में आग लगी और आग इतनी भयानक लगी कि 3 से 4 प्लास्टिक के गोदाम व एसी फ्रिज के गोदाम जलकर खाक हो गई। प्रहार टाइम्स के व्यूअर नाजिम अंसारी, जो कि खान कंपाउंड के पास हीरा रेजिडेंसी में रहते हैं, उन्होंने बताया कि बेकाबू आग को बुझाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। लगभग 3 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। अब सवाल उठ रहा है आखिर आग कैसे लगी, तो इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इस बेकाबू आग में कई गोदाम सहित लाखों की सामग्री जलकर खाक हो गई है। और दूसरी खबर हम आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में कोरोना संकट के बीच स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के कार्यकर्ताओं ने सांगली की सड़कों पर दूध बहाना शुरू कर दिया है। संगठन की मांग है कि गाय की दूध की न्यूनतम दर 25 रुपये प्रति लीटर निर्धारित की जाए। इसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन जारी है। संगठन ने अपना उग्र रूप दिखाते हुए हिंगोली में दूध के एक टैंकर में आग लगा दी। हालांकि प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है दूध की कीमत बढ़ाई जाए। इस पूरे मामले में 5 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।